सबास बेस्ट क्लासेस में हम आज आपको अलग अलग टाइप की पांच चटनियाँ बनाना बता रहे हैं। तो देखिए, ये मज़ेदार चटनियाँ आपको इफ्तार में काम आएंगी, बच्चों के टिफ़िन के लिए काम आएंगी और काफ़ी सारे स्नैक्स के साथ ये चटनियाँ बहुत मज़ेदार लगेंगी। तो देखिए, इन चटनियों को बनाना हम अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये खट्टी मीठी चटनी बनाना शुरू कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने एक कप शक्कर ली, मैंने एक पैन में एक कप शक्कर डाल दी और उसके बाद हम इसमें एक से डेढ़ ग्लास पानी डाल देंगे और फिर उसमें हम ये इमली डाल देंगे, इमली भी एक कप है। और इसके बाद मैंने इसमें अदरक को इस तरह से कट करके डाल देना है। ये एक 2 इंच की अदरक के का टुकड़ा था जिसे मैंने साफ़ करके इसके अंदर डाल दिया। इन सभी चीज़ों को आप अच्छी तरह से पका लीजिए, इसे अच्छी तरह से उबाल लीजिए। फिर ये जब नरम हो जाएगी इमली तो हम इसे छान लेंगे और छान कर इसका पानी नीचे से अलग कर लीजिए। हमें इसका पानी चाहिए, ये जो खटास और मीठा पानी है वो हमने अलग कर लिया है। ऊपर की इमली को आप डिस्कार्ड कर लीजिए या किसी और चीज़ में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स डाले हैं और फिर मैंने बस 1/2 चम्मच ज़ीरा पाउडर डाला है, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया और फिर नमक डाल दीजिए 1/2 टीस्पून के आसपास और फिर ऑरेंज कलर इसमें डाल दीजिए। मैं इसमें कलर डाल रही हूँ, आप चाहें तो कलर अवॉइड भी कर सकती हैं। अब देखिए, हम इसे अच्छी तरह से उबाल लेंगे। अब देखिए, ये आधा टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है जिसे मैंने 1/2 कप पानी में मिक्स किया और उसके बाद ये कॉर्नफ्लोर वाला पानी हम इस चटनी में डाल देंगे। ये ट्रांसपेरेंट सी चटनी बहुत मज़ेदार लगती है, तो आप इसे डाल दीजिए चटनी में। हमने कॉर्नफ्लोर वाला पानी इसमें डाल दिया, चटनी गाढ़ी भी हो गई और देखिए कितनी ट्रांसपेरेंट है ये। तो ये हमारी चटनी तैयार हो चुकी है, ये थिक भी हो गई है। तो देखा, ये चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब हम दूसरी चटनी बनाते हैं। ये मैंने 2 कैरियाँ ली और देखिए, ये 2 इंच के अदरक का टुकड़ा है, 2 से 3 इंच अदरक और ये चिली फ्लेक्स हैं 1 टेबल स्पून और नमक हमने लिया। और देखिए, 1/2 टीस्पून मैंने नाइजेला सीड्स यानी कलौंजी ली है और ये 1 कप हमने शक्कर ली है। और देखिए, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर है और 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया। अब हम सबसे पहले कैरी को इस तरह से छील लेते हैं और छीलने के बाद आप इसे ग्रेट कर लीजिए, मतलब कद्दूकस कर लीजिए या खिस लीजिए। देखिए, कैरी को मैंने खिस लिया है। अब मैंने खिसी हुई कैरी एक बर्तन में डाली, फिर शक्कर डाल दी और शक्कर डालने के बाद मैंने इसमें नमक ऐड किया और नमक के बाद हम इसमें कलौंजी डाल रहे हैं। और देखिए, मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाल दिया, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया। हमने 1/2 टीस्पून दोनों पाउडर्स डाल दिए, धनिया और ज़ीरा। उसके बाद हमने इसमें चिली फ्लेक्स डाल दिए और फिर इसमें हमने 1 से 1.5 ग्लास पानी डालना है और फिर हम इसे पका लेंगे। अब इसे गैस पर रखिए और गैस को ऑन करके अच्छी तरह से इसे पका लीजिए। अब देखिए, मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी। अब इन सभी चीज़ों को एक साथ आप पका लीजिए। ये चटनी भी बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, ये 1-2 महीने आप इसे स्टोर करके रखें, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। मैं इसमें कैरी की गुठलियाँ भी डाल रही हूँ, ये गुठलियाँ बहुत ज़्यादा फ्लेवर देती हैं और ये गुठलियाँ तो अब जब बन जाएंगी चटनी तो बहुत मज़ेदार लगती हैं। तो देखिए, हम इसे पका रहे हैं। तो देखिए, अब ये बिल्कुल गाढ़ी होने लगी है। तो यह चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। आप इसे किसी जार में स्टोर करके रख लें और कई महीनों तक रह सकती है। अब हम ग्रीन चटनी बनाएंगे यानी हरी चटनी। ये मैंने कोथमीर ली है 2 मुट्ठी और उसके बाद ये लहसुन की कलियाँ ली हैं 10 और ये अदरक ली है 2 से 3 इंच और यहाँ पे दालवा लिया है मैंने 1/2 कप और 4 हरी मिर्चें ली है और 1 कप पुदीना है, यानी पुदीना कोथमीर का 50% आधा लिया और ज़ीरा लिया है हमने 1/2 टीस्पून, नमक हमने लिया और ये 3 नींबू का रस है।
अब देखिए मैंने जो दालवा था उसे पीस कर रख लिया, यानी उसका पाउडर बना लिया, और ज़ीरे को भी पीस कर रख लिया है, आधा टीस्पून ज़ीरा है। अब हम सबसे पहले कोथमीर को मिक्सर के जार में डालते हैं, फिर उसके बाद हमने लहसुन डाल दिया, अदरक डाल दी, पुदीना भी डाल दिया, और फिर हमने हरी मिर्चें भी ऐड कर दी इसमें। अब देखिए ज़ीरा पाउडर डाल दीजिए और फिर दालवा पाउडर भी डाल दीजिए, और देखिए हमने इसमें नमक डाल दिया, दालवे की वजह से ये चटनी अच्छी थिक हो जाएगी। अब मैंने नींबू का रस भी डाल दिया। इन सभी चीज़ों को मिलाकर आप पीस लीजिए। देखिए मैंने इन्हें पीस कर रख लिया और हमारी ग्रीन चटनी तैयार हो चुकी है। देखिए ये सारी चटनियाँ हैं। अब मैं ये बता रही हूँ ये इमली की चटनी है, इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर दी है, लिंक मैं नीचे दे दूँगी। इस इमली की चटनी को भी आप बना कर रखिए, आपके इफ्तार के लिए बहुत काम आएगी। और ये तीखी चटनी है जो मैंने पहले बताई, और ये हरी चटनी है जो मैंने अभी बताई, और ये मोमो की चटनी है, ये मैंने अपने चैनल पर दी है, आप इसे ज़रूर देखें। ये बहुत ही मज़ेदार चटनी है और कई स्नैक्स के साथ काम आती है। और ये कैरी की खट्टी मीठी चटनी है जो मैंने अभी बताई है। तो इस तरह से ये पांचों चटनियाँ आप बना कर रखें, ये आपको इफ्तार में बहुत काम आएंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग सबास बेस्ट क्लासेस। तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।